मैं रुपेश आनंद एक बार फिर दोस्तों आपके सामने आ गया हूँ एक बड़ा ही अच्छा इम्पोर्टेंट और एक ऐसा टॉपिक जो आपकी लाइफ को बदलने वाला है दोस्तों उस टॉपिक का नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। दोस्तों बस आधा घंटा, दोस्तों बस 30 मिनट्स और आपकी लाइफ में बदलाव और चेंज। अगर आप ये 30 मिनट्स ध्यान से मेरी बातों को सुन लेंगे तो मैंने 6 लेक्चर्स 6 से 7 लेक्चर्स ढाई ढाई घंटे के जो फेस टू फेस और पेन ड्राइव में लिए, आप ये जब सुन लेंगे तो आपको काफी हद तक बातें रिटेन होनी शुरू हो जाएंगी। आप सबको याद रहता है लेकिन आप सोचते हैं कि आप भूल गए। बस मेरी वही कोशिश है आपको बताने की कि आप गलत सोचते अपने बारे में, आप कुछ नहीं भूले। आप बचपन के दोस्त तक आपको याद है, बचपन की मूवी का एक सीन अगर मैं अभी बताऊं याद है, बचपन की गर्लफ्रेंड याद है, तो बेटे भूल कैसे गए। इतनी सारी बातें तो आपके दिमाग में याद ही रहती, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि कैपिटल बजटिंग आप भूल गए। भगवान कहता तथास्तु, भूल गए, लेकिन भूलते भूलते है नहीं बेटे। हमारे माइंड में इतनी जबरदस्त पावर है, मेमोरी है बेटे। एक सेल में पता नहीं कितने जीबी मेमोरी है, और बेटे ऐसे लाखों करोड़ों सेल है हमारी बॉडी के अंदर जो हर समय नए नए बन रहे हैं, पुराने जा रहे हैं नए बन रहे हैं, पुराने जा रहे हैं नए बन रहे हैं। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मैं आज 50 कंसेप्ट्स हैं इस टॉपिक में जो आपको करने चाहिए पेपर देने से पहले, और मैंने 72 कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्लास में कराए बेटे। इतना तो किसी की बुक में नहीं है, और बेटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल 62 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल कराए हैं। एक बार आप बुक अगर आपके सामने हो तो प्लीज एक बार बुक को खोल लें, बुक को खोल लें। सुनने में आया कि बहुत सारे कंसेप्ट टीचर्स नहीं कराते हैं इस टॉपिक के, क्योंकि उनको खुद ही नहीं आते। कोई बात नहीं बेटे, मैं ये सभी वीडियोस यूट्यूब में डाल चुका हूं, आप यूट्यूब से देख सकते हैं। बुक ई बुक डाल चुका हूं, उसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, हमारे ऑफिस में आकर उसको परचेज कर सकते हैं। रिविजनी भी वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा एक रिन्यू कराना चाहता हूँ, रिफ्रेश कराना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप बहुत पढ़ चुके हैं, पढ़ पढ़ के थक गए हैं, और पेपर आने ही वाले हैं बेटे, पेपर आने ही वाले हैं, आने ही वाले हैं। तो मैं आपके सामने ये कहने जा रहा हूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कुछ भी नहीं, एक संगम है, जैसे इलाहाबाद में संगम होता है, एक संगम है 3 नदियों का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं कहूंगा एक डिसीजन का नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, दूसरी डिसीजन का नाम है फाइनेंशियल डिसीजंस, और तीसरी डिसीजन का नाम है डिविडेंड डिसीजंस। तो बेटे 3 तरह के डिसीजंस होती है कैपिटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। बेटे हम इस समय इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बातें कर रहे हैं, और इसमें बेटे 2 तरह की डिसीजंस होती है, जैसे 11th क्लास में आपको बताया था, रेवेन्यू एक्सपेंस एंड कैपिटल एक्सपेंस, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। बेटे लंबे समय तक जो चलती है, मतलब 1 से ज्यादा वर्ष तक जो चलती है, जैसे आप सीए कर रहे हैं, आप सीएस कर रहे हैं, तो बेटे ये डिसीजन कौन सी है? बेटे आईसीएम में करने की डिसीजन भी क्या है? लॉन्ग टर्म है। तो बेटे ये डिसीजंस का नाम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। और बेटे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के मैंने क्लास में बताया था अपनी फेस टू फेस की और पेन ड्राइव में, बेटे कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे इट इन्वॉल्व ह्यूज सम ऑफ मनी, इसमें बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। These decisions are irreversible. बेटे एक बार ले ली
तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे रिलायंस जियो डिसीजन ले ली, रतन टाटा ने नैनो बनाने की डिसीजन ले ली, एयरटेल ने 4G में जाने की डिसीजन ले ली, आपने सीएस करने की डिसीजन ले ली, आपने सीएमए करने की डिसीजन ले ली, मैरिज करने की प्रपोजल ले ली, बेटे सब क्या है, क्या है ये क्या है बेटे? इट विल अफेक्ट योर मार्केट प्राइस, इट विल अफेक्ट एमपीएस। तो बेटे ये सभी डिसीजंस को हम कहते हैं दीज आर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, लॉन्ग टर्म डिसीजंस। तो बेटे मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि लॉन्ग टर्म डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे, तो ये ले या ना ले बेटे, इसके लिए आने वाले 15-20 मिनट आप सुनते रहे, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं लिखना बेटे, बहुत लिख लिया, बहुत देख लिया, अब खाली सुनिए। आइए मैं भूपेश आनंद आपको ऐसे सिद्धांत बता रहा हूं जो ना तो आपने सुने होंगे ना कभी देखे होंगे, और आप चेक कर लें कि आपने 50 कंसेप्ट किए या नहीं किए, नहीं तो 6 महीने खराब हो सकते हैं आपके। तो दोस्तों पहला स्टेप कैपिटल बजटिंग में मैं ये कहता हूं कि कैश आउटफ्लो कैलकुलेट की जाए। दूसरा स्टेप मैं कहता हूं अपने बच्चों को फेस टू फेस में और पेन ड्राइव में कि बेटे कैश इनफ्लो कैलकुलेट की जाए, और बेटे कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बाद बेटे स्टेप नंबर 3, क्योंकि बेटे महंगाई है, हाय हाय महंगाई, अभी गाना दिखाऊंगा, इन्फ्लेशन है, तो बेटे स्टेप 3 इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाए। तो बेटे कैपिटल बजटिंग में, पूरी कैपिटल बजटिंग में 50 कंसेप्ट्स के अंदर और 72 क्वेश्चंस में CBQ जो मैंने क्लास में कराए, उन सब में एक सूत्रधार चल रहा है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू, कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू। तो बेटे आउटफ्लो और इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू अगर इसका संगम कर दें तो बेटे आराम से आप डिसीजन ले पाएंगे। तो मैं उन्हीं बातों के साथ ये कहने जा रहा हूं कि बेटे जो आउटफ्लो होती है और जो इनफ्लो होती है, कैश आउटफ्लो इज एट 0 पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बेटे बिगिनिंग में होती, और बेटे कैश इनफ्लो इज एट फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। ये बात मैंने बताई है बेटे। बेटे आउटफ्लो क्या होती है, आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, आज आप पैसे खर्च कर रहे हैं, आज आप नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, रतन टाटा ने आज नैनो लगाया, सिंगूर में जाकर लैंड परचेज किया, उसको थोड़ी पता था कि ममता बनर्जी उसको परेशान करेंगी बेटे। इनफ्लो फ्यूचर में होगी और अनसर्टेन है, फीस देनी पड़ेगी सर्टेन है, पढ़ाई करनी पड़ेगी सर्टेन है, जेल में जाना पड़ेगा सर्टेन है, अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी सर्टेन है, बट फिर जाकर आप पास होंगे, कोई कयामत का दिन आएगा 25 फरवरी में से कैश इनफ्लो होना शुरू होगा। और मैंने आपको बताया था बेटे कैश इनफ्लो और कुछ नहीं कैश प्रॉफिट्स है, कैश इनफ्लो और कुछ नहीं कैश प्रॉफिट्स है, और इसको निकालने के लिए मैंने 10 बार आपको बोला था कि बेटे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन और एनी अदर नॉन कैश एक्सपेंस। बेटे जो प्रॉफिट है ना, जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना बेटे, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से बेटे उससे डिसीजन नहीं ली जाती, क्यों? क्योंकि बेटे वो प्रॉफिट एज पर IND AS है, वो प्रॉफिट एज पर IFRS है, वो प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन भी डेबिट है। लेकिन बेटे कैपिटल बजटिंग में ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया बेटे, रुपया, रुपया कितना जा रहा है और कितना आ रहा है, बस बेटे। इसलिए मैंने कहा था आप एक बड़ी सी टोकरी लें, उस टोकरी में आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डाल दें, ऊपर ढक्कन लगा दें और ऊपर से साड़ी बांध दें, साड़ी पुरानी घर में पड़ी होगी उससे इस पोटली को बांध दें, क्यों?
बेटे इसको आप टच नहीं करेंगे ना, फिर ऊपर सांप बिठा दे और इसको यमुना जी में डाल के आ जाए, क्योंकि जब आप इसको टच करोगे ये काटेगा काटेगा। बेटे आपको कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में कैश इनफ्लो लेना है, वो होता है जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। तो मैं भूपेश आनंद आपको फिर लेके चल रहा हूं। फिर मैंने कहा था देयर आर सम डिसीजन क्राइटेरियास, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। पहले सिद्धांत का नाम है नॉन डीसीएफ क्राइटेरियास, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरियास एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरियास। बेटे इसके तीन हाय राम, बेटे इसके भी तीन हाय राम। बेटे याद है पे बैक पीरियड, बेटे एआरआर, बेटे आरओआई, बेटे एनपीवी, बेटे पीआई, बेटे सबसे बड़े आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और मैंने कहा था जी सबसे बड़ा इन सभी में कौन है, एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो आपको ये मैंने सारे स्टेप्स बताए, एनपीवी कैलकुलेट करना सिखाया, अभी पीपीटी आ रही है। फिर मैं आपको ये कहा था कि बेटे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को हम 6-7 कैटेगरीज में फेस टू फेस और पेन ड्राइव की क्लासेस में डिस्कस करते हैं। इसीलिए तो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, इसीलिए तो बच्चे भीड़ को नहीं देख रहे, इसलिए तो बच्चे पास हो रहे हैं। बेटे अभी मैं आपके रोंगटे खड़े कर दूंगा, आपने वो टॉपिक्स किए भी नहीं है। अगर आपने YouTube नहीं किए तो आप मेरे YouTube के वीडियोस देख सकते हैं। और बेटे मैं तो ये कह रहा हूं, मैं लेक्चर वाइज भी कुछ स्टूडेंट्स को फ्री में करा रहा हूं, मान लेते हैं। तो पहली चीज मैंने इसमें कही थी बेसिक कंसेप्ट, और फिर दूसरा कंसेप्ट भी था बेटे बेसिक कंसेप्ट वन और बेसिक कंसेप्ट टू। फिर तीसरा था बेटे हमने किया था रिप्लेसमेंट डिसीजंस। बेटे मैं समझता हूं कि ये सबसे कीमती है, अभी देखेंगे रिप्लेसमेंट में क्या क्या है। फिर बेटे था न्यू प्रोजेक्ट और एक्सपेंशन। मुझे सुनने में आया कि ये भी नहीं कराया जा रहा मार्केट में, कोई बात नहीं बेटे मैं कराऊंगा, मुझे प्यार है आपसे। डाइवर्सिफिकेशन, बेटे कैपिटल राशनिंग तो कोई बताता भी नहीं है बेटे, हद कर दी। और सबसे ज्यादा लेक्चर्स में कैपिटल बजटिंग मैं ही लेता हूं। और लास्ट कंसेप्ट है मेरे लाल, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अच्छा लीज वर्सेस बाय इसी का है, पहले हम इसी में डालते थे लेकिन अब हमने उसका अलग से चैप्टर बना दिया, अलग से वीडियो मिलेगा आपको लीज वर्सेस बाय डिसीजन। तो बेटे ये सारे ब्लॉक करके जाने हैं। रिप्लेसमेंट डिसीजन क्या होती है, मैंने बताया था कि पुरानी चीजों को बदलें, पुराने मोबाइल फोन्स, पुराने गर्लफ्रेंड्स, पुराने बॉयफ्रेंड्स, सब चीज आजकल हम बदलते जा रहे हैं। क्यों बेटे, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए कंसेप्ट आ रहे हैं, नए मेथड्स आ रहे हैं, नए फॉर्मूलाज आ रहे हैं। तो बेटे रिप्लेसमेंट डिसीजन एक सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इसमें डिसाइड क्या करना है कि वो जो ओल्ड मशीनरी है, वो जो ओल्ड मेथड है, वो जो ओल्ड फॉर्मूला है, क्या उसको हम बदले या ना बदले, किससे, न्यू से। बेटे अपोलो टायर्स आजकल ट्यूब वाले टायर्स बनाता था, अब डिसाइड करना है अपोलो को कि क्या वो ट्यूबलेस टायर बनाए या ना बनाए। जैसे आप बार बार सोचते हो पुराना मोबाइल फोन के नया लू या नहीं लू, पुरानी शर्ट बेच के नई शर्ट लू या नहीं लू। बेचना बेटे पुरानी, हाँ बेटे बर्तन वाली को देना मतलब बेचना ही है, एक्सचेंज करना। अच्छा इसके लिए मैंने कहा था जी आपको ध्यान से सुनना, याद आएगा आपको, व्हेन लाइफ इज इक्वल, दो ब्रांचेस बनाई थी बेटे, एंड व्हेन लाइफ इज अनइक्वल। बेटे याद आ रहा है, बड़ी मेहनत की थी बेटे, सबसे ज्यादा मेहनत हमने इसमें की थी। और मैंने फिर कहा था व्हेन लाइफ इज इक्वल
इसमें बड़े सारे प्रपोजल्स होते थे, एक तो हो सकते थे बेटे इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स और दूसरे होते थे बेटे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स। तो बेटे हमने इसमें बड़ी जबरदस्त मेहनत की थी, कितने सारे क्वेश्चंस कर डाले थे। और बेटे इसमें एक मेथड था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड और बेटे दूसरा मेथड था फॉर्मूला मेथड, याद आ रहा मेरे बेटे? बेटे जब सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट वगैरह सब दिया हो तो आप इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो को निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड फॉलो, और जब ये सब कुछ ना दिया हो तो बेटे आप फॉर्मूला मेथड फॉलो कर दो। अब रिप्लेसमेंट में करते क्या है बेटे, सीधी सी बात है, हम स्टेप नंबर वन फॉलो करते हैं बेटे, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोस। और बेटे स्टेप नंबर टू कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस, बेटे इंक्रीमेंटल आउटफ्लोस एंड इंक्रीमेंटल इनफ्लोस, और लास्ट में मेरे बच्चे इंक्रीमेंटल एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। ये कब? व्हेन लाइफ इज इक्वल। बेटे इसका मैंने फॉर्मेट बताया था, याद आ रहा है? आप देखिए अपने रजिस्टर्स में आउटफ्लो निकालने का फॉर्मेट बताया था, लॉजिक समझाया था कि इस दुनिया में जब भी आउटफ्लो निकालना हो तो आप कुछ ऐसे करें परचेज, वो बेटे अभी आ जाएगा, अभी स्लाइड में आएगा, मैं इसलिए टाइम नहीं लगा रहा। इनफ्लो ये मैं चाहता हूं कि एक मिनट आप ध्यान से एक वीडियो देखें। कैपिटलाइजेशन लिख रहे महंगाई, हाय हाय महंगाई, बेटा देख रहे डीजल का भी बढ़ गया मोल, महंगाई डायन खाई जाता है। बेटे जब आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो ये T0 होता है, ये T1 होता है, ये T2 होता है, याद है बेटे? मैं आपको टाइमलाइन बना के क्वेश्चंस कराता था, फिर मैंने कहा था आउटफ्लो यहाँ पे होगी, ब्रैकेट में लिखा, फिर कैश इनफ्लो 1, कैश इनफ्लो 2, 3, 4, और फिर मैं कहता था महंगाई डायन खाए जाता है, महंगाई डायन खाए जाता है। इसका मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करता था। बोलो बेटे, याद है ना बेटे? बोलो ना। तो बेटे आपको ये सारी बातें बताई, फिर मैं आ गया था लाइफ इज अनइक्वल। जैसे एक बच्चा 5वीं क्लास का है और दूसरा बच्चा 8वीं क्लास का है, इन दोनों की नॉलेज हम कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लाइफ अनइक्वल है। तो फिर मैंने बताया था बेटे अपनी क्लासेस में कि हम सेपरेट अप्रोच फॉलो करेंगे, इसको इसकी आउटफ्लो अलग निकालेंगे, इनफ्लो अलग, एनपीवी अलग, इसकी आउटफ्लो अलग, इनफ्लो अलग, एनपीवी अलग, और फिर इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। और अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन ना दी जाए तो आप इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करेंगे, याद है बेटे? और फिर जिसकी आउटफ्लो कम होगी, आ गले लग जा, आ गले लग जा। बेटे मैंने 25 क्वेश्चन लगभग कराए होंगे 72 में से रिप्लेसमेंट। प्लीज बेटे रिप्लेसमेंट ध्यान से करके जाना, जल्दबाजी मत करना, फॉर्मेलिटी मत करना। भले आपने मेरे से नहीं पढ़ा, आप YouTube में वीडियो देखिए, बुक्स यहाँ से ले लीजिए,
बेटे लेकिन करके जाइए, 6 महीने बहुत कीमती है। कई बार हम भीड़ के चक्कर में चले तो जाते हैं और डिसीजन गलत हो जाती है 6 महीने की। बेटे प्लीज ये वीडियो मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से देखें कि आप सारे कंसेप्ट चेक करें। बेटे कोई नहीं है इस दुनिया में जो इतने कंसेप्ट आपको कराए, आप एक बार चेक तो करें। फिर मैंने बेटे उसके बाद क्या बताया, रिप्लेसमेंट के बाद कैपिटल रैशनिंग डिसीजंस, अब ये भी कोई नहीं करा रहा बेटे। कैपिटल रैशनिंग डिसीजंस में मैंने कहा था कि आपको ये डिसाइड करना है कि जो पैसे आपके पास हैं वो किस प्रोजेक्ट में लगाए, कौन से प्रोजेक्ट में लगाए। जैसे मुकेश अंबानी के पास बड़े सारे प्रोजेक्ट हैं, ए बी सी डी ई, लेकिन वो सारे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मान लेते हैं उसमें 10 जिलियन रुपीज लग रहे, सबकी क्योंकि आउटफ्लो है सबकी इनफ्लो है, तो उसमें डिसाइड करना पड़ेगा मुकेश अंबानी को कि कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें। इसको बोलते हैं व्हेन कैपिटल इज की फैक्टर, व्हेन कैपिटल इज की फैक्टर। लो जी व्हेन कैपिटल इज की फैक्टर, जैसे मैंने कहा था एक कारपेंटर होता है, याद कीजिए एग्जांपल बताया था, उसके पास दो काम होते हैं, 5 घंटे का एक वर्क है 200 रुपए के हिसाब से मिलेंगे, 3 घंटे का एक काम है 300 रुपए के हिसाब से मिलेंगे। इफ टाइम इज नॉट लिमिटेड तो बेटे उसको एक ही काम कर सकता है एक्चुअली, बेटे दोनों नहीं कर सकता। तो यहां पर 1000 रुपए मिलेंगे और यहां पर 900 रुपए मिल रहे हैं, तो बताइए जी कौन सा वर्क करेगा। बेटे 5 ये वाला काम करें, बट अगर मैं कहूं टाइम इज लिमिटेड तो फिर कौन सा काम करेगा, फिर बेटे 900, 1 घंटे में 900 रुपए मिल रहे हैं तो ये वाला काम करेगा। इसका मतलब अगर समय कम हो तो आप डिसीजन भी उसी हिसाब से लेते। तो बेटे ईमानदारी से आज आप याद कीजिए, एक बार रजिस्टर खोल लीजिए ना बेटे, रजिस्टर खोल लीजिए ना, आपने ये किया हुआ बेटे। आप प्लीज देखिए कैपिटल राशनिंग में मैंने एक चीज और बताई थी, एक बच्चे को नींद आ रही है वो सो रहा है, वो कहता है फ्री की सीढ़ी है क्या फायदा, कुछ फायदा हो तभी कोई दिक्कत नहीं, वो एक्चुअली बेवकूफ है बेटे, उसने पिछले जन्म में पाप किए, वो राक्षस योनि का था, इसलिए वो नेगेटिव सोच रहा है बेटे। मैंने आपको ये कहा था कैपिटल राशनिंग में 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, पहला डिविजिबल प्रोजेक्ट्स और दूसरा इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स। जैसे बिल्डिंग बनाना इज डिविजिबल, हेलीकॉप्टर खरीदना इज इनडिविजिबल, तो बेटे हम चाहे डिविजिबल हो या इनडिविजिबल हो डिसाइड किसके बेसिस पे करेंगे, बेटे बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, बेटे डिजायरेबिलिटी फैक्टर। अब ये नहीं करा रहा कोई, और बेटे इसके स्टेप्स बताए थे, इसके स्टेप्स बताए थे। फिर मैंने आगे आपको ये बताने की कोशिश की थी कि हम न्यू प्रोजेक्ट में कैसे डिसाइड करते हैं, हाउ वी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। बेटे जब एक्सपेंशन हो रही है, बेटे जब डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे मैं प्लांट कहां लगाऊं, डेवलप्ड एरिया में या बैकवर्ड एरिया में, मैं नया प्रोजेक्ट करूं या ना करूं, मैं एक्सपेंड करूं या ना करूं, मैं एक बच्चा कहता है फिर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब न्यू प्रोडक्ट। मैंने कहा डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है न्यू प्रोडक्ट इन सेम मार्केट, एक्सपेंशन का मतलब क्या है, सेम प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, जल्दी किस बात की बेटे। मैंने कहा था जी इसमें आप क्या करें, पहले स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट करें, कैलकुलेट टोटल कैश आउटफ्लोस, आप टोटल कैश आउटफ्लोस निकाल। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट
टोटल कैश इनफ्लोस, क्योंकि बेटे ये प्रोजेक्ट बड़े बड़े होते हैं, इसमें कंपैरिजन नहीं करना होता, आउटफ्लो इनफ्लो निकालना है। बेटे मैंने इसमें जो क्वेश्चन बताए थे वो जरूर करना, तीन चार। एक तो बेटे अशोका का था जिसमें सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड समझाया था, फिर मैंने कहा था अगर कुछ नहीं लिखा तो सेट ऑफ करना, और फिर बेटे स्टेप नंबर थ्री कैलकुलेट एनपीएम, और बेटे स्टेप नंबर वन में मैंने बताया था कि पहले लैंड खरीदते हैं, फिर उसका भूमि पूजन करते हैं, फिर बिल्डिंग बनती है, और फिर बिगिनिंग ऑफ ईयर की बातें की थी। बिगिनिंग ऑफ ईयर, जैसे मैं कहूँ बिगिनिंग ऑफ ईयर थ्री इज इक्वल टू एंड ऑफ ईयर टू, सब बताया। फिर इनफ्लो बताया था कि अगर दो साल हो तो कैसे कॉलम बनाने, और अगर दो से ज्यादा हो तो किस तरह से कॉलम बनाने। ईयर जैसे दो से ज्यादा साल है, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स वगैरह 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 वगैरह, ऐसे 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 ऐसे। तो बेटे इस ब्लॉक के क्वेश्चन जरूर करने थे। फिर मैंने क्या बताया, मैंने कहा था बेटे आईआरआर क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न, दैट रेट वेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस, और वेयर एनपीवी इज जीरो, और वेयर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज एको हम वित्त नास्ती। बेटे ये सारी बातें बताई थी मैंने। इसमें आपको याद आ रहा हो अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल दिया, कि अमिताभ बच्चन साहब आपको डांट रहे थे, ऐश्वर्या अपनी बेटी को लेकर आ गई, आपकी आंखें नीची हो गई, फिर आपने भूपेश आनंद से क्योंकि नहीं पढ़ा था तो आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो फिर आपके दोस्त ने भूपेश आनंद से पढ़ा था, फिर आपको समझाया कि भाई इस तरह से करना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे, इस तरह से करना चाहिए, और फिर आपने डिस्काउंटिंग रेट चेंज कर दिया था, और डिस्काउंटिंग रेट चेंज करने की वजह से एनपीवी पॉजिटिव आ गई थी, याद है। तो बेटे इन सभी बातों के साथ मैंने आईआरआर समझाया था, और बेटे आईआरआर में मैंने आपको केस स्टडीज कराई थी, बेटे कोई नहीं करा रहा, कोई नहीं बताता बेटे, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम इन एनपीवी एंड आईआरआर। तो मैंने आपको केस स्टडी वन कराई थी, टाइम डिस्पैरिटी, केस स्टडी टू कराई थी लाइफ डिस्पैरिटी, केस स्टडी थ्री कराई थी साइज डिस्पैरिटी। बोलो जी, ये तीन डिस्पैरिटीज कराई थी, नहीं कराई थी। फिर फिलिंग दी ब्लैंक वाला क्वेश्चन कराया था आईआरआर का, और फिर मैं आगे चल पड़ा था लास्ट पहलू में रिस्क एंड अनसर्टेनिटी की तरफ। बेटे रिस्क और अनसर्टेनिटी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मैंने आपको दो टेक्निक्स बताई थी, एक टेक्निक का नाम है जनरल टेक्निक्स, और एक टेक्निक का क्या नाम है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। और बेटे जनरल टेक्निक्स में आरएडीआर बेटे कोई नहीं करा रहा, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट बेटे, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट, ये तो मेरा देख देख के आप कराना शुरू किया, लेकिन अभी भी कुछ जगह ये नहीं हो रहा। सेंसिटिविटी एनालिसिस मेरे बेटे, सेंसिटिविटी एनालिसिस, क्या आपके आपके दांतों में सेंसिटिविटी झनझनाहट होती है, ये एग्जांपल दिया था। फिर मैंने खुजली का एग्जांपल दिया था, फिर मैंने ऊपर मक्खन निकालने का एग्जांपल दिया था। बोलो बेटे, फिर सीएसई को समझाने के लिए मैंने आपके मार्क्स का एग्जांपल दिया था, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश इनफ्लोस। और बेटे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में हमने एक करी थी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज, हिलर मॉडल, हर्ट्ज मॉडल, और बेटे एक थी डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज। इसमें बेटे डिसीजन ट्री तो कोई बताता ही नहीं है, आप चेक करिए मेरे नोट्स, मेरी पेन ड्राइव, मेरे फेस टू फेस फोटोकॉपी नोट्स और किसी के, बेटे डिसीजन ट्री कोई नहीं बता रहा, सेंसिटिविटी एनालिसिस कोई नहीं बता रहा। बेटे फिर तीसरी चीज मैंने बताई थी सिमुलेशन, और डिसीजन ट्री को मैंने समझाया था कि एक पेड़ गिर गया, फिर आप उसकी डिसीजन कैसे लेंगे, जैसे जैसे आप डिसाइड करेंगे कि ये करें ना करें, फिर उसके आउटपुट होंगे,
फिर नेक्स्ट ईयर और आउटपुट होंगे, इस तरह से काम चलेगा, फिर इसके पाथ निकालेंगे, फिर जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। बेटे बड़ी मेहनत की है, और बेटे इनके साथ साथ मैंने आपको चैप्टर वाइज थ्योरी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ कराता ही रहा था। बेटे मैंने थ्योरी के क्वेश्चंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो वो जो चैप्टर के हिसाब से और एक जो जनरल चैप्टर्स हैं जो आपकी स्टडी में है। तो बेटे जो जनरल है उसके शॉर्ट नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, तो आइए जरा एक बार देखें, पीपीटीज देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। बेटे ये बताया था, मेहनत की थी और आपने 50 के 50 कंसेप्ट लिखे हैं इससे पहले। अगर आपको देखना हो तो आप ये 50 कंसेप्ट देख तो लीजिए भाई साहब, खुला चैलेंज है। किसी ने अगर ये 50 कराए हो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। बेटे आप आराम से देख लें, 6 महीने आपके बचने की बात है। आइए देखिए, कैपिटल बजटिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताई थी बेटे थ्योरी में, कैश कंसेप्ट 4 कैश फ्लो, कंसेप्ट 5 डिसीजन क्राइटेरिया, कंसेप्ट 6 पेबैक पीरियड, कंसेप्ट 7 डिस्काउंटेड पेबैक, एआरआर, आरओआई, बेटे क्या नहीं बताया, रिप्लेसमेंट डिसीजन देख लो, कंसेप्ट 13 से रिपेयर वर्सेस रिप्लेसमेंट, रिपेयर नाउ और लेटर, ऑपरेशन ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस। बेटे कितना डीप में बताया, और WDV और उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट, डिविजिबल प्रोजेक्ट, अबंडमेंटमेंट। बेटे देख तो लो, अरे मेरे बेटे एक बार देख तो लो बेटे, कंसेप्ट जरूर करके जाने हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप नहीं करेंगे तो इंस्टीट्यूट दोबारा 6 महीने बाद बुलाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट तभी पास कर रहा है जब आपको इन सभी की नॉलेज हो। और बेटे आपकी स्टडी में है, हाँ वो बात अलग है, अब आपने नहीं किए जहाँ पढ़ा तो बेटे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप यूट्यूब में मेरे वीडियो देखिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए, और आपको खुद ईमेल आएगी जब मैं नए वीडियो डालूंगा। फिर बेटे मैंने ये डिग्री बताई थी, आप चेक करिए, कंसेप्ट 1 एग्जाम्पल्स ऑफ, ये सब लिखवाए थे बेटे नोट्स। अब जिन बच्चों को नहीं कि वो हैरान हो रहे हैं कि क्या सच में इतना कुछ बताया था। हाँ बेटे आप मेरे YouTube में कमेंट्स देखिए, बाकी बच्चों से पूछिए जो जो यहाँ से पढ़ रहे हैं, बेटे उन सबको पता है, ले लीजिए। फिर मैंने केस स्टडीज कराई थी और बच्चों को बुला के केस स्टडीज पूछी थी, TCS, ये सारे डिसीजंस कैपिटल वेटिंग है बेटे, किंगफिशर एयरलाइंस, न्यूज़पेपर्स में देखिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिखाई थी, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स, मॉनेटरी फैक्टर्स, ब्रांड एम्बेसडर, ये देखो अमिताभ बच्चन, ये सारी डिसीजंस ब्रिटिश कैपिटल बिल्डिंग। फिर बेटे मैंने बिपाशा बासु की बात की थी, कौन सा ब्रांड एम्बेसडर रखे, ये जैसे आजकल रिलायंस जियो आया हुआ, आप देखिए शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सबको मुकेश अंबानी ने पकड़ लिया, तो बेटे रिलायंस जियो हिट होगा, ये देखिए हाय बिपाशा, बाय बिपाशा। फिर मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद कहा था कैश फ्लो 2, आउटफ्लो एंड इनफ्लो, ये सब लिखा हुआ आपने, आउटफ्लो के 2 फीचर्स, इनफ्लो के 2 फीचर्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, ये देखो ये टाइमलाइन बनाई थी, डिसीजन क्राइटेरिया बनाए थे, बड़ी मेहनत की थी बेटे, पे बैक पीरियड के स्टेप्स लिखवाए। साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। पेबैक पीरियड की एक कहानी है कि जितना लगाया साईं बस उतना ही वापस कर दो और ज्यादा नीचे। फिर बेटे मैंने इसके स्टेप फॉर्मेट और फिर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो बेटा हैरान, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स अपॉन आउटफ्लो इनटू 100। बेटे ये सारी बातें कराई और फिर डेप्रिसिएशन की बात की थी, मैंने कहा था बेटे IFRS में डेप्रिसिएशन ज्यादातर अब सम ऑफ ईयर डिविडेंड नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड 3 मेथड मुख्य, एनपीवी का फैक्टर्स, फॉर्मेट, इनफ्लोस इफ एनपीवी इज नेगेटिव, और फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, उसके देखो नाम क्या है,
desirability factor, benefit cost ratio, if it is greater than 1, बोलो बेटे मैंने 6 blocks बनाए हैं कि जो हम capital weighting में discuss कर रहे हैं, फिर मैं आगे चला था बेटे, फिर replacement decision बताया था, जैसे मैंने example दिया था कि आपको एक दोस्त की job लगी और उसको पहली बार 30,000 रुपए मिले और वो वैन हुसैन के शोरूम में गया, शर्ट एक लेनी थी लेकिन वहां के रिसेप्शनिस्ट के चक्कर में आ गया और उसने 5-6 शर्ट्स ले ली, क्योंकि वहां के रिसेप्शनिस्ट ने कहा था कि सर आपका कलर फेयर है, आपको ना डार्क कलर अच्छे लगेंगे। अब उसने मम्मी को कह दिया, मम्मी मंडे को नहीं शर्ट, ट्यूजडे को नहीं, वेडनेसडे को नहीं, मम्मी हर रोज नहीं, मम्मी पुरानी शर्ट रिप्लेस। बेटे ऐसा कर सकते हैं, रोज भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और एक दोस्त दूसरा था, उसने एक ही शर्ट ली, वो उसी शोरूम में गया और रिसेप्शनिस्ट के चक्कर में नहीं आया। और बेटे मंडे भी वही पहन रहा है, ट्यूजडे भी वही, वेडनेसडे भी वही, थर्सडे भी वही, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर मम्मी आप इसको रिप्लेस करोगे ना तो कॉस्ट ऑफ वाटर लगेगा, धोओगे तो डिटर्जेंट पाउडर की कॉस्ट लगेगी। फिर मैंने कहा था ना, वो रिसेप्शनिस्ट पहले तो उसके पास आके बात करती थी, फिर दूर से कहती ओके बाय। बेटे सारी बातें बताई थी रिप्लेसमेंट डिसीजन में। फिर मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बनाया था, और ये देखिए आउटफ्लो कैलकुलेट करने का मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया था लॉजिक के साथ, कंसेप्ट के साथ। फिर कैश इनफ्लोज दो होती है, ऑपरेटिंग और टर्मिनल। ऑपरेटिंग को निकालने के दो मेथड्स, बेटे कितनी मेहनत से तो कराया था। टर्मिनल मैंने कहा था मेट्रो जहां पे खत्म होती है वैशाली में, मैडम कहती है ये टर्मिनेशन पॉइंट है। टर्मिनल दो वजह से होती है, एक स्क्रैप और एक वर्किंग कैपिटल। प्रपोजल्स कॉम्प्लीमेंट्री, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, रिप्लेस, बेटे सब तो बताया था। तो बेटे आपको रिप्लेसमेंट डिसीजन में बहुत ध्यान देना, और बेटे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के ब्लॉक में भी बहुत ध्यान देना, इसी में से बार बार आ रहे हैं। बेटे मैंने 72 क्वेश्चंस लिए, उसमें से 25 रिप्लेसमेंट के, आप प्लीज करके जाना। ये देखो ये बेटे मैंने आपको कराया था, फिर इंक्रीमेंटल एनपीवी उसको निकालने का तरीका बेटे सब किया आपने, और फिर मैं आगे चल पड़ा था। देखते हैं बेटे कहां चल पड़े थे आगे। फॉर्मूला मेथड, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो निकालने के दो मेथड्स, एक प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा फॉर्मूला। फॉर्मूला के बेसिस में क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, फॉर्मूले का लॉजिक बताया था, और मैंने एक केस स्टडी कराई थी जिसमें कहा था डेप्रिसिएशन अगर है और टैक्स रेट जीरो है तो डेप्रिसिएशन का कोई वजूद नहीं है। हाँ अगर डेप्रिसिएशन है और टैक्स भी है तो टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन लेते। अनइक्वल लाइफ, इक्वल लाइफ, क्या क्या नहीं बताया बेटे, क्या क्या नहीं बताया। ये तो कभी खाली बैठे होंगे ना तो आप दोस्तों से डिस्कस करोगे जिन्होंने यहां से नहीं पढ़ा, तो खुद पता चल जाएगा कि आपके क्यों ज्यादा नंबर आए और उनके कम क्यों आए, उन्होंने दो अटेम्प्ट ज्यादा क्यों लगाया। खुद बेटे, मैं कुछ नहीं कह रहा बेटे, आराम से WDB मेथड देखिए, और फिर मैंने आपको आगे न्यू प्रोजेक्ट की बातें करनी शुरू कर दी थी। कैपिटल राशन, भाग मिलकर भाग। बेटे पहले जमाने में ना राशन शॉप्स हुआ करती थी, लोग क्या करते थे, मिट्टी का तेल, चीनी, सरकार उनको ना राशन्स में देती थी। जब भी कुछ भी लिमिटेड होता है तो राशनिंग होती है बेटे। तो ये बातें थी, ये देखो डिविजिबल प्रोजेक्ट्स उसके स्टेप्स बताए थे, फिर इंडिविजिबल प्रोजेक्ट्स बेटे उसके स्टेप्स बताए थे, फिर इंडिविजुअल में कॉम्बिनेशंस बनानी सिखाई थी, कॉम्बिनेशन ट्रायल एंड एरर मेथड, फिर सेटिंग अप ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, और उसमें एक्सपेंशन का मतलब बताया, डाइवर्सिफिकेशन, तीन स्टेप्स फॉलो करते हैं, टोटल आउटफ्लो, टोटल इनफ्लो, टोटल इनपी, टोटल आउटफ्लो, टोटल इनफ्लो, टोटल इनपी। फिर दो साल हो तो क्या करते हैं ये, और दो से ज्यादा हो तो ये प्रेजेंटेशन, सब किया बेटे। फिर सेटिंग ऑफ और कैरी फॉरवर्ड बताया कि सेटिंग ऑफ में कौन सा सेक्शन लगेगा और कैरी फॉरवर्ड में कौन सा, और फिर केस स्टडी कराकर मैंने आपको बड़ी सारी बातें लास्ट में बतानी शुरू की थी, जिसको मैंने कहा था संक कॉस्ट क्या होता है, एलोकेटेड कॉस्ट क्या होता है।
बेटे छह लेक्चर्स का मैं अभी एक मिश्रण दे रहा हूँ आपको कि आप आधे घंटे में इसको थोड़ा समझ लें कि मैं कहना क्या चाह रहा था और आपको किस किस तरह से बातें बताई थी। IRR मैंने एग्जांपल दिया था, सरदार का, वो पंजाब से आया था, उसको पता नहीं था CS का इंस्टीट्यूट कहाँ है, फिर वो लोधी रोड पहुंचा, प्रीपेड रिक्शा उसने वहीं उतार दिया, फिर डिफेंस कॉलोनी ऊपर गया, फिर खान मार्केट पहुंच गया, गॉर्जियस लड़कियां मिली, उन्होंने कहा पीछे जा, वो डांस करने लगा, साईं बाबा का मंदिर मिला, फिर उसने मत्था टेका और फिर ऊपर देखा तो पीछे से दिखा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, और फिर आकर उसने CS ज्वाइन कर ली और पटेल नगर में भूपेश आनंद से कैपिटल बिल्डिंग की। मैंने सब तो बताया था और फिर इसके स्टेप्स बताए थे, फिर इसके लॉजिक भी बताया था और कंपैरिजन की तीन स्टडीज बताई थी। लो बेटा, फिर रिस्क अनसर्टेनिटी से पहले मुझे लगता है कि एक स्टडी अलग अलग तरह के रिस्क है बेटे। आप देख रहे हैं अर्थक्वेक, सुनामी, कुछ भी कहीं भी कैसे भी हो जा रहा है आजकल, तो इसी तरह से कैपिटल बजटिंग जो प्रोजेक्ट आप ले रहे हैं ये भी तो फ्यूचर की बातें कर रहे हैं ना, तो उस फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को देख रहे हैं। आइए जी, हम यहाँ पर जनरल टेक्निक फॉलो की थी, स्टैटिस्टिकल की थी, RADR रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, इसमें दो रेट्स होते हैं, रिस्क फ्री एंड रिस्क प्रीमियम, फिर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, मार्क्स देखे थे, सेंसिटिविटी, RADR, हायर द रिस्क हाई विल बी द RADR, रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम, बेटे बताया था यार। फिर मैंने कहा था RADR को निकालने का सेम कंसेप्ट है जैसे CAPM निकालते, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, एक बच्चा कहता है इतना कुछ कराया था, हाँ बेटे इतना कुछ कराया, प्यार है ना आपसे, सेवा भाव है बेटे। एक बच्चा कह रहा है क्यों वीडियो इन्होंने रिकॉर्ड करके दे रहे हैं बेटे, दूसरा कहता है क्योंकि ये फायदा चाहते हैं हमसे, यूट्यूब में कोई है माइकल लाल जिसने अपने अपलोड कर दियो, बेटे आप अपलोड कर दिए सारे, बेटे मेरे को मालूम है कि मैं सबसे बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, तभी तो यूट्यूब में अपलोड किए, पूरी दुनिया को कह रहा हूँ देख लो, आकर चेक करो मेरे कंसेप्ट और अपने कंपेयर कर लो, और नहीं आता तो यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखो, उसको डाउनलोड करो और खुद सीखो और बच्चों को कराओ, बेटे ये है दम। तो बेटे आप देख ली कि आप अब आने वाले दिनों में ये वीडियोस देखकर अपना फायदा जरूर कराएं, मैं इसलिए तो दे रहा हूं क्योंकि अब जो हो गया सो हो गया, बेटे अब तो फायदा होना चाहिए, कितनी बार पेपर दोगे बेटे, जिंदगी ऐसी बीत जाएगी, शीला की जवानी है, जवानी खत्म होने को आ रही है बेटे, आप फिर डिसीजन ट्री कराया था, ये देखो डिपेंडेंट डिसीजन ट्री, फिर इसके सिंबल्स बताए थे और ट्री दिखाया था। तो बेटे मैं भूपेश आनंद फिर कह रहा हूं, आप ये YouTube पे वीडियो देखिए, 14 लेक्चर मैंने YouTube में डाले हैं, उसके पार्ट्स हैं छोटे छोटे, आपको सच में फायदा मिलेगा अगर आप करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मेरी शुभकामनाएं, मैं मन से चाहता हूं, कहते हैं जी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन से जो जीत गया ना, चाहे उसके अगेंस्ट पूरी दुनिया क्यों ना आ जाए बेटे, पूरी दुनिया क्यों ना आ जाए, मैं तो कहता हूं जी पूरी दुनिया ही क्यों ना आ जाए, अगर कोई मन से जीत गया मान लेते हैं आप यहां खड़े हो अकेले कहीं इंडिया में, और ये पूरी दुनिया के जितने भी अनगिनत लोग हैं ये सब आपके अगेंस्ट हैं, बट अगर आप मन से जीते हुए हो ना कि मैं ये काम करूंगा, मैंने जीतना है, तो आप जीत जाओगे, भले ये दुनिया वाले कहें सब कि हार जाएगा रामलाल, हार जाएगा, नहीं होगी CS, नहीं होगी CM में, वो बेवकूफ लोग हैं, अगर आपने मन में ठान लिया कि मैं ये काम करूंगा तो बेटे करोगे, कर सकते हो, मेहनत करनी पड़ेगी बेटे। इस दुनिया में भगवान कृष्ण ने कहा हे अर्जुन,
तो सुन, कर्म अगर तू करता है तो भाग्य भी उसमें बीच में नहीं आएगा और मैं उस कर्म का फल दूंगा। तो ये कर्म भूमि है, बातें ना करें, व्हाट्सएप में आलतू फालतू मैसेज ना करें। बस बेटा थोड़ा सा तो टाइम रह गया, मन लगाकर क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस करें, थ्योरी करें, बेटे पास हो जाए। शुभकामनाएं इन्हीं बातों के साथ। मैं चाहूंगा कि आप मन लगाकर पढ़ें और पास हो जाए बेटे। धन्यवाद।